क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दे, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का सेट ई देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में बताने वाला। तो जिस विद्यार्थी को 80 नंबर चाहिए वो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा, इससे आपको बहुत घाटा जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पहला है ऋषिप के फूलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है, तो नेताओं की। मोनुओ जोदड़ो के अजय घर में तैनात व्यक्ति का नाम अली नवाज था। झोलो एक है तो क्या है, क्षेत्रीय शब्द। कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं तो 31 होते हैं। क्या होते हैं? 31। यहाँ से जैसे हम पेज पलटेंगे तो देखिएगा बड़े तरीके से। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। आगे हम बढ़ेंगे। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग कौन बुझाता है, तो राम जी बुझा सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर रिक्त स्थान की बात करूं तो सिरस के वृक्ष बड़े और क्या होते हैं, छायादार होते हैं ना। आदिकाल में प्रमुख रूप से का सजीव वर्णन होता है युद्धफे का। बादल राग कविता में सुखों को आयस्तर बताया गया, तो आयस्तर को। यहाँ पर संघर्ष आ जाएगा, इसमें संवाद। और लास्ट जो बचा है, विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहां अलंकार कहलाता है, तो विरोध भाष अलंकार। सही जोड़ी देखेंगे तो छोटा मेरा खेत है ना। क्या है? छोटा मेरा खेत है, मतलब उमा शंकर जोशी। सूरदास की बात करूं तो सूरदास में कौन है, भक्ति काल। राम भक्ति शाखा के कौन थे, तो कवि तो आपके क्या जाएंगे, तुलसीदास जी। क्लियर है? जैसे हम आगे बढ़ेंगे है ना, तो अनामिका की बात करूं तो आपका सूर्य कांत त्रिपाठी निराला। दृश्य नहीं होता है, तो दृश्य नहीं होता है का मतलब हो जाएगा रेडियो नाटक में। यहाँ पर बढ़िया से देखेंगे। और एक शब्द वाक्य में उत्तर, तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का क्या नाम है, तो प्रवासी की डायरी। क्या है? प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की गई है, तो कागज के पन्ने रूपी खेत। सरोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है, तो दोहा छंद का उल्टा माना गया है। यहाँ पर आपका कोई दो क्षेत्र शब्द लिखे, एक तो आपके डांगरी या लुटिया आ जाएगा। यहाँ से जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने किसी घटना समस्या मुद्दे की गहन छानबीन तथा विश्लेषण का क्या क्या कहते हैं, तो विशेष रिपोर्ट। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। वनस्पति शास्त्र के अनुसार सिरप का पेड़ रस कहाँ से खींचता है, तो वायुमंडल से। यहाँ पर सत्यासत्य देखेंगे तो सिरस अद्भुत एवं अवधूत है, बिल्कुल सत्य। और राखल दास बनर्जी 1922 में मौन जोदड़ो गए, बिल्कुल सत्य। ये सत्यासत्य का देखिए। भूषण नृत्यकाल के कवि थे, बिल्कुल सत्य माने गए हैं। बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ पर छठे क्वेश्चन से दो दो नंबर के, तो भक्ति के जेठ का बड़ा बेटा। बढ़िया से सिंपल क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा, जब तक क्या करो आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, जितना हो सकता आप याद करो, और आपके जो सर ने नोट्स बनाए या सीरीज में से आप इसे याद करने में जुड़ जाओ। फालतू बैठना नहीं है साथियों, टाइम कम बचा हुआ, तो बढ़िया से मेहनत करते रहिएगा। तो यहाँ से ये आपका सातवां, मन के खाली होने और जेब के भरे होने का क्या अर्थ है। अष्टमी पर लेखक 8 दिन तक क्या करता था या करता है। यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव खिलते ही एक उदाहरण लिखना है। यहाँ से मैं आगे बढ़ू तो आपका बढ़िया से देखेंगे तो आपका ये 11वां क्वेश्चन, कविता कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। यह आपका 21वां 22वां, छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ लिखे। बहुत ही सिंपल देखिए, आपका बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन पूछने वाले। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जाता है। और ये आपका इसी गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दी गई प्रश्न लिखने हैं, है ना। बड़े तरीके से आप अच्छे से लिख लेना। जैसे आपका यहाँ पर मैं पेज पलटू तो ये आपका तो आ जाएगा, यहाँ है ना, जूम कम कर देते हैं।
ये है ना, और ये इसके आंसर आ जाएंगे। यहां से देखेंगे तो कुंवर नारायण तथा रघुवीर साई का काव्यगत परिचय में दो रचना लिख दो, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान। ये यहाँ पर 18वां फणीश्वर नाथ तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का दो रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ये आपका 9वां क्वेश्चन है ना। यहाँ से देखेंगे तो आपका पद्यांश संदर्भ सहित वाक्य लिख देनी है, और ये आपका 21वां इसी गद्यांश को संदर्भ सहित वाक्य आपको लिखना है ना, बड़े से मेहनत कीजिएगा। ये 21वां प्रश्न हो गया। 22वां है परीक्षा की तैयारी तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को एक पत्र लिखना है, और ये आपका 23वां क्वेश्चन। बढ़िया से मेहनत कीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए। ये था हमारा हिंदी का सेट ई, मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने सेट ABCD नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, जो कि आपको 6 फरवरी के दिन बहुत ही मदद करेगा।